ये देखिए वंदे भारत के कार बॉडी की काफी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस अब कुछ ही महीनों का समय बाकी है जब ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन आप सभी के सामने होगी। इंडिया छोड़िए, अब तो अमेरिकन देशों से डिमांड बढ़ चुकी है। हाल में राइट्स ने बस कुछ ही घंटों पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट की कि वंदे भारत ट्रेन की डिमांड अब साउथ अमेरिकन नेशंस में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। चिले से लेके ब्राजील, अर्जेंटीना, इन्होंने स्ट्रांग इंटरेस्ट जताया है और अब डिस्कशन में भी एंगेज हो चुके भारत के साथ। इस तरह की इंटरनेशनल ट्रेन बनाकर सच में भारत ने एक नया मापदंड सेट कर दिया है। राइट्स ने ये कंफर्म किया है कि जो कंट्रीज के जैसे ब्रॉड गेज है, हम उस तरह से हमारी वंदे भारत ट्रेन को भी मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल चिले, अर्जेंटीना में यहाँ पर स्टैंडर्ड गेज की चलती है, तो हम स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत बनाने के लिए भी तैयार है। सो क्या है वो कूल फीचर्स जो अर्जेंटीना, चिले, ब्राजील इन सबको पसंद आया? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इनको हाई ग्रेड के ऑस्थेटिक स्टेनलेस स्टील कार बॉडी वाली ये जो वंदे भारत है, ये काफी ज्यादा पसंद आई है। इसमें क्रैश बफर जैसे फीचर दिए गए हैं, कपलर, स्ट्रिंजेंट सेफ्टी मेजर्स के साथ इसको बनाया गया है। BML ने भी एक दो इंटरव्यू में बताया कि हमने इसकी इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा क्रिटिकली डिजाइन की है कि इलेक्ट्रिकल से लेके प्रोपल्शन, ब्रेक सिस्टम सब में बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी का यूज किया है। 16 कार से ये पूरी ट्रेन होगी जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आर की होगी और टेस्टिंग स्पीड 180 किलोमीटर पर आर की होगी। आराम से ये 180 किलोमीटर पर आर पर दौड़ सकती है अगर ब्राजील के पास, चिले के पास, अर्जेंटीना के पास ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। फिर इसका डीएक्सेलरेशन भी काफी कमाल का है, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसको फुल सर्विस वाली बेस्ट इन क्लास ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। सेफ्टी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लश इंटीरियर डिजाइन, फायर सेफ्टी, मॉड्यूलर पैंट्री, ऑटोमेटिक पैसेंजर डोर्स, एर्गोनॉमिक टॉयलेट सिस्टम, ये भी पूरी तरह से ओडर फ्री है और इनको इसी तरह से काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को लेकर डिजाइन किया गया है। स्पेशियस लगेज रूम जो कि यूरोपियन ट्रेन्स में काफी ज्यादा पॉपुलर कंसेप्ट। सो बस कुछ ही महीने का इंतजार बाकी है जब ये अमेजिंग ट्रेन आप सभी के सामने होगी और हमें तो उस पल का भी इंतजार है जब ब्राजील, अर्जेंटीना, चिले के अलावा और भी कई तमाम आसियान देशों में भी भारत की ये फ्लैगशिप ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेगी इन देशों में। खैर अगर आप भी मेरी इस राय से सहमत है तो एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ में कमेंट्स में प्लीज जय हिंद लिखना तो न भूलिएगा।